कुछ टीनेजर्स एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए अपना स्कूल बंक करके अंडरग्राउंड बंकर में चले जाते हैं और उसके बाद वहाँ से निकल नहीं पा रहे थे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वॉचर प्लेनेट। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक हॉरर थ्रिलर मूवी को जिसका नाम है द होल, जिसे डायरेक्ट किया है निक हमने। और बात करें इसकी IMDb रेटिंग के बारे में जो है 6.2 आउट ऑफ 10 स्टार। मूवी के स्टार्ट होते ही हम एक लड़की को स्कूल में आता हुआ देखते हैं जो घायल होती है। वहाँ आकर उसने पुलिस को कॉल करके हेल्प मांगी। इस लड़की का नाम लिज होता है। लिज के साथ और 3 लोग गायब थे लेकिन वो अब मिल चुकी है, इसलिए ये बड़ी न्यूज़ बन जाती है। उसके साथ जो भी हुआ था इस वजह से वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी। फिर उससे मिलने के लिए एक डॉक्टर आती है। इन सब के गायब होने के पीछे रीज़न क्या था, डॉक्टर उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछती है। लिज कहती है हमारे स्कूल में अगर आप पॉपुलर हो तभी आप एग्जिस्ट करते हो, अगर आप पॉपुलर नहीं हो तो आप स्कूल में एग्जिस्ट ही नहीं करते। लिज पॉपुलर नहीं थी तो उसे कोई भी नोटिस नहीं करता था। फुटबॉल टीम में एक लड़का था जिसका नाम माइक होता है, वो बहुत ही हैंडसम था तो स्कूल की सारी लड़कियां उस पर फिदा थीं। फिर अभी स्कूल में सबको पता चलता है माइक और उसकी गर्लफ्रेंड का ब्रेकअप हो गया है तो सारी लड़कियां इसके लिए बहुत ही एक्साइटेड थीं। लिज को भी माइक बहुत पसंद था, वो हमेशा उसे देखने के लिए आया करती थी। फिर एक दिन जब वो उसे देख रही थी तब मार्टिन उससे कहता है वो तुम्हें कभी भी प्यार नहीं करेगा। एक्चुअल में मार्टिन और लिज बहुत सालों से फ्रेंड हैं और मार्टिन लिज को लाइक करता है, ये बात उसने बता दी थी लेकिन लिज उसे एज अ फ्रेंड मानती है। अगले सीन में हम देखते हैं माइक अपने फ्रेंड जॉफ के साथ था। जॉफ माइक को चेयर अप करने के लिए कहता है चलो कहीं वैकेशन पर चलते हैं, अगर वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से दूर रहेगा तो शायद वो वापस आ जाएगी। ये आइडिया माइक को भी अच्छा लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं माइक की गर्लफ्रेंड के जिस तरह से हेयर थे उसी तरीके के हेयर लिज को भी बनाने थे लेकिन कुछ गड़बड़ हो गया था जिसकी वजह से उसके हेयर बहुत ज़्यादा खराब हो जाते हैं। फिर हेल्प मांगने के लिए वो फ्रांसिस के पास आई। फ्रांसिस स्कूल की बहुत ही पॉपुलर लड़की थी। फ्रांसिस ने इसकी हेल्प तो कर दी लेकिन वो कहती है तुम ये जो सब कर रही हो इससे माइक को कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, जिसे सुनकर लिज को बुरा लगता है। वो अपने फ्रेंड मार्टिन के पास आती है, उसने उसे अपनी सारी प्रॉब्लम बता दी। वो चाहती थी कभी ना कभी तो माइक उसे नोटिस करे। मार्टिन उसकी हालत देखकर उसकी हेल्प करने के लिए मान जाता है। लास्ट सीन में हमने देखा था माइक और जॉफ कहीं वैकेशन पर जाना चाहते थे लेकिन उनके पेरेंट्स उन्हें अलाउ नहीं करेंगे। अगर किसी वजह से उनके पेरेंट्स और स्कूल को पता ना चले कि वो लोग वैकेशन पर गए हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी और इस काम में मार्टिन उनकी हेल्प कर सकता है। मार्टिन कंप्यूटर्स में बहुत ही स्मार्ट है, वो स्कूल का सिस्टम हैक करके दिखा सकता है कि ये दोनों घर पर हैं और घर पर सब लोगों को लगेगा ये दोनों स्कूल में हैं। जॉफ के ग्रुप में फ्रांसिस भी थी। मार्टिन ने कहा मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ लेकिन तुम्हें एक और लड़की को अपने साथ लेकर जाना पड़ेगा जो लिज थी। इनका प्लान था जब माइक और लिज एक साथ वैकेशन पर होंगे तब ये दोनों साथ में टाइम स्पेंड कर पाएंगे। इन सबको ऐसी जगह चाहिए थी जहाँ पर उन्हें कोई भी ढूंढ ना पाए। पहले कभी जंगल में बम से बचने के लिए लोगों ने शेल्टर बनाकर रखा था। इस शेल्टर में जाकर अगर वो अपने आप को बंद कर दें तो उन्हें कोई भी ढूंढ नहीं पाएगा, फिर सब लोग उसके अंदर जाने वाले होते हैं। मार्टिन उन्हें बंद करके 2 दिन बाद लेने आएगा। पहले तो माइक और फ्रांसिस को अंदर जाने से डर लग रहा था लेकिन जॉफ बहुत एक्साइटेड होकर अंदर चला जाता है। फिर उसके पीछे पीछे सारे लोग चले जाते हैं। अंदर जाकर इन्होंने लाइट जला दी। इन लोगों को ये जगह बहुत पसंद आती है, यहाँ पर ये लोग खेलते हैं, एंजॉय करते हैं, खाने पीने की चीजें निकालते हैं। फिर जो अब देखता है माइक यहाँ पर कुछ खाने के लिए लेकर नहीं आया। इस बात पर वो बहुत गुस्सा हो जाता है। लिज कहती है मैं बहुत सारा खाना लेकर आई हूँ, वो मेरे हिस्से में से खा सकता है। इस बात की वजह से लिज और माइक फ्रेंड्स बन गए थे। रात में ये सब मिलकर एक दूसरे को हॉरर स्टोरी सुना रहे थे। जॉफ ने मजाक में कहा अगर मार्टिन हमें 2 दिनों के बाद लेने नहीं आया तो ये बहुत बड़ी हॉरर स्टोरी बन जाएगी। ये बात सुनकर फ्रांसिस उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो कहती है इस तरह की बातें हमें नहीं करनी चाहिए। इसके बाद 2 दिन बीत चुके थे। सब मिलकर मार्टिन का वेट करते हैं लेकिन वो यहाँ नहीं पहुंचता। फ्रांसिस इस बात पर और भी ज्यादा गुस्सा हो गई। वो कहती है अगर तुमने ऐसा नहीं बोला होता तो ऐसा नहीं होता। माइक सबको संभालने की कोशिश करता है। वो कहता है शायद मार्टिन ट्रैफिक में होगा, काफी टाइम बीत गया लेकिन वो नहीं आया। सब लोगों ने मिलकर डोर खोलने की कोशिश की लेकिन वो लोग कामयाब नहीं हो पाए। इसके बाद हम देखते ये लोग डिस्कस करते हैं अब सब लोगों को पता चल गया होगा कि हम लोग स्कूल में नहीं हैं और हम पूरे वर्ल्ड में कहीं भी जा सकते हैं लेकिन यहाँ कोई हमें ढूंढने नहीं आएगा। फ्रांसिस इन सब चीज़ों को सुनकर और भी ज़्यादा डर गई थी। इसके बाद हम फिर से प्रेजेंट टाइम को देखते हैं। सब पुलिस वाले मिलकर मार्टिन को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे।
एक्चुअल में क्या हुआ था ये किसी को भी पता नहीं है। अगले दिन डॉक्टर फिर से लिस से मिलने के लिए आई। वो पूछती है आगे क्या हुआ था। लिस कहती है एक दिन जब मैं सोई हुई थी ऊपर की तरफ से मैंने एक शेडो आती हुई देखी। उसे लग रहा था मार्टिन उस पर नज़र रख रहा है। उसे लग रहा था उसने मार्टिन को रिजेक्ट कर दिया जिस वजह से उससे बदला लेने के लिए उसने सारे लोगों को यहाँ बंद कर दिया। इन सारी चीज़ों के बारे में उसने माइक को बताया। वो कहती है शायद मार्टिन चाहता है हम दोनों में झगड़ा हो जाए। वो मुझे दिखाना चाहता है मैं और तुम कभी एक साथ नहीं रह सकते। माइक वंडर करता है अगर ऐसी बात है तो मार्टिन को कैसे पता चलेगा कि हम दोनों में झगड़ा हुआ है या नहीं। हम दोनों एक साथ रह नहीं सकते। इस बात पर वो दोनों सोचने लग गए। तभी वो लोग बहुत सारी जगह चेक करते हैं। उन्हें एक जगह पर माइक्रोफोन लगा हुआ मिला। वो समझ गए इनकी सारी बातें मार्टिन सुन रहा है। इन्होंने फिर डिसाइड किया हम नाटक करेंगे ऐसा दिखाएंगे कि लिज और माइक में झगड़ा हो रहा है जिसे सुनकर मार्टिन सेटिस्फाई हो जाएगा और इन्हें बाहर निकाल लेगा। इस प्लान में सारे लोग शामिल हो गए। सब लोग माइक्रोफोन के पास आकर लिज को ब्लेम करते हैं कि मार्टिन उसका फ्रेंड है और इसी वजह से सब लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं। इनके ये सब करने के बाद अगले दिन मार्टिन ने ऊपर का डोर खोल दिया। अब तक जो स्टोरी लिज बता रही थी डॉक्टर उस पर थोड़ा भी बिलीव नहीं करती क्योंकि उसके सारे फ्रेंड्स वहाँ से नहीं निकले। उस बंकर की स्टोरी कुछ अलग ही थी। लिज के ऊपर ज़्यादा लोड ना आए तो डॉक्टर उसे ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करती। फिर एक सीन में हम देखते हैं मार्टिन को पुलिस ने ढूंढ लिया। जिस दिन उसने उन सारे लोगों को बंकर के अंदर बंद किया था उस दिन वो कहाँ था इसके बारे में उस सब पूछा जाता है। मार्टिन के पास उसके पूरे दिन का रूटीन था। वो लोग उस पर बिलीव नहीं करते। वो कहते हैं लिज कुछ और बता रही है। मार्टिन कहता है लिज मुझे हमेशा से हेट करती है। वो स्कूल की पॉपुलर लड़की है तो उसे लगता है उसके सामने कोई भी मैटर नहीं करता। ये बात लिज की स्टोरी से थोड़ी अलग थी। फिर हमें रियलिटी दिखाई जाती है। एक्चुअल में फ्रांसिस और लिज ये दोनों एक दूसरे की बहुत ही अच्छी फ्रेंड थी। जैसा लिज ने बताया था कोई भी उसे नोटिस नहीं करता ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो स्कूल की बहुत ही पॉपुलर लड़की थी। जब लिज को पता चला माइक का ब्रेकअप हो गया है तो अंडरग्राउंड बंकर में जाने का प्लान भी उसी का था। ये सारा प्लान उसने फ्रांसिस को बताया। फ्रांसिस जॉब की फ्रेंड थी तो उसने वहां आने के लिए माइक को भी कन्विंस कर लिया। पुलिस मार्टिन से पूछताछ करती है लेकिन उनके पास उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं था। फिर वो उसे जाने देते हैं। मार्टिन के खिलाफ उन्हें कोई ना कोई सबूत तो चाहिए तो इस वजह से लिज के पास डॉक्टर मिलने के लिए आती है। वो कहती है तुम्हारे पास कोई ना कोई तो प्रूफ होगा हमें मार्टिन को इस इंसिडेंट से लिंक करना है। तब लिज कहती है अब मार्टिन को छोड़ दिया जाएगा। डॉक्टर ने उसे सच बता दिया। फिर वो कहती है अब मार्टिन मुझे मारने के लिए आएगा। वो फिर यहाँ से गुस्से में चली जाती है। फिर हमें रियलिटी में क्या हुआ था ये दिखाया जाता है। सब मिलकर बंकर में गए थे लेकिन इन्हें बाहर निकालने के लिए मार्टिन की ज़रूरत नहीं थी। ये खुद अंदर से बाहर आ सकते थे। अंदर जाने के बाद इनकी पार्टी स्टार्ट हो गई थी। सब मिलकर ड्रंक हो जाते हैं। जॉफ को फ्रांसिस के साथ इंटीमेट होना था लेकिन माइक को भी वो बहुत पसंद थी। ये दोनों मिलकर फ्रांसिस के बहुत करीब आने लग गए थे। ये बात लिज को पसंद नहीं आती और वो ज़ोर से माइक को मारती है जिसकी वजह से उन्होंने अपना प्लान कैंसिल कर दिया। इसके बाद रात में जब माइक का ध्यान नहीं था तब जॉफ और फ्रांसिस इंटीमेट हो जाते हैं। माइक को जब ये बात पता चली तब वो गुस्सा हो गया था। वो कहता है अब मैं यहाँ नहीं रहने वाला। सब मिलकर उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं मानने वाला था। लिज ने कहा अगर माइक जाने वाला है तो वो भी उसके साथ जाएगी। वो भी रेडी हो गई। वो ऊपर जाकर डोर ओपन करने की कोशिश करती है लेकिन ये डोर ओपन ही नहीं होता। सब लोगों ने मिलकर बहुत कोशिश की लेकिन कुछ भी नहीं हो पाता। इसके बाद जॉफ पूछता है लास्ट टाइम कौन आया था। ये लिज थी और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। सब मिलकर लिज को ब्लेम करने लगे थे जिसकी वजह से वो उन लोगों से थोड़ा दूर चली गई थी। इसके बाद हम प्रेजेंट टाइम में देखते हैं लिज अपने घर पर होती है और उसे ढूंढते हुए मार्टिन वहाँ पर पहुँच जाता है। वो उसे देख कर भागने लगती है लेकिन मार्टिन उसे पकड़ लेता है। वो उससे पूछता है तुम मुझे इस सब में क्यों फंसा रही हो सारे पुलिस वाले मेरे पीछे पड़ गए हैं। लिज कहती है उनके पास किसी के खिलाफ सबूत नहीं है तुम ज़्यादा टेंशन मत लो। इसके बाद लिज अपने घर पर आ जाती है और वो बहुत रो रही थी। उसे मिलने के लिए डॉक्टर वहाँ पर पहुँच जाती है। डॉक्टर कहती है मैं तुम्हें हेल्प करना चाहती हूँ लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझे सब कुछ सच सच बताना पड़ेगा। लिज कहती है मुझे फिर से बंकर में लेकर चलो मुझे थोड़ी थोड़ी चीज़ें याद आ रही हैं। लिज डॉक्टर से कहती है वहाँ से माइक को मैं इस तरह से जाने नहीं दे सकती थी। वो जब पहले ऊपर गई तब उसने बंकर को लॉक कर दिया था। उसके पास बंकर की चाबी थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। उनके पास खाना और पानी दोनों चीज़ें ख़त्म हो रही थी। जॉफ सबसे कहता है अब स्लोली स्लोली हमें हेडेक होने लगेगा हमें चलने में भी तकलीफ होगी। अगर हमें कुछ भी नहीं मिलता तो कुछ दिनों
दिनों में हमारी डेथ भी हो जाएगी। ये सारी चीज़ें सुनने के बाद लिस खुद ही नाटक करने लग जाती है और खुद रोने लग जाती है। माइक उसे सहारा देता है, फिर उसे अच्छा लगता है। अब वो दोनों एक दूसरे के करीब आने लग गए थे। एक दिन माइक और लिस इंटीमेट हो जाते हैं। फिर अचानक से फ्रांसिस की तबीयत भी खराब होने लग गई थी, लेकिन इस बात से लिस को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो माइक के साथ यहाँ पर बहुत खुश थी। फ्रांसिस बीमार है, लेकिन इस वजह से वो यहाँ से निकलना नहीं चाहती। उसे जितना टाइम मिले वो उसे माइक के साथ स्पेंड करना चाहती है। एक रात लिज नींद से जाग जाती है। वो फ्रांसिस को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं मिलती। जब उसने उसे जाकर देखा, तब खून की उल्टियां करने के बाद फ्रांसिस की डेथ हो चुकी थी, जिसे देखकर लिज बहुत जोर से चिल्लाई। जॉफ को जब पता चला, तब वो लिज को ही ब्लेम करता है। माइक ने फिर इन दोनों को संभाल लिया। अब इनके पास पीने का पानी भी बहुत ही कम था, खाने के लिए कुछ भी नहीं था। सबकी हालत बहुत ही ज़्यादा खराब होने लग गई थी। लिज रियलाइज करती है माइक और उसका बॉन्ड अब बहुत ही स्ट्रांग है। अब वो यहाँ से निकल सकते हैं। माइक को वो सारी बात अब बताने वाली थी। जब वो माइक को बता रही थी, उसके पास डोर की चाबी है, तब माइक ने जॉफ को कोक की बोतल ओपन करते हुए सुना। जॉफ के पास बोतल थी, लेकिन वो सबसे छुपा रहा था। इस बात से माइक बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। अपनी भूख की वजह से उसने अपने माइंड का कंट्रोल लूज कर दिया था। वो जॉफ को बहुत मारता है, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। इससे पहले लिज उसे जो भी बता रही थी, इस बात पर उसका थोड़ा भी ध्यान नहीं था। ये मर्डर करने के बाद वो और भी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था। सारी चीज़ें देखकर लिज को बहुत ही बुरा लग रहा था। वो भी अब जीना नहीं चाहती थी। वो माइक से कहती है, हम दोनों भी यहीं पर सुसाइड कर लेते हैं। लेकिन माइक कहता है, हम इतने दिनों तक जिंदा रहे, कोई ना कोई हमें ढूंढ लेगा। हमें डटकर इस मुसीबत का सामना करना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं, जब माइक सो रहा था, तब ऊपर जाकर लिज इस बंकर को खोल लेती है। माइक की नींद खुल जाती है। वो ये सब देखकर लिज से पूछता है, तुमने ये सब कैसे किया? लिज कहती है, मेरे पास हमेशा से चाबी थी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, जिसके लिए मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी। माइक उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था। वो कहता है, तुम्हारी वजह से मैंने अपने फ्रेंड को मार दिया। फिर गुस्से में वो ऊपर आ रहा था और सीढ़ी टूट जाती है और एक रॉड टूटकर माइक के पेट में घुस गई, जिसकी वजह से वहीं पर उसकी डेथ हो गई। ये सारी चीज़ें लिज ने डॉक्टर को बता दी थी और ये बिल्कुल सच था। डॉक्टर को सबकी डेड बॉडीज मिली थी। डॉक्टर लिज से कहती है, तुम्हें ये सारी चीज़ें पुलिस को बतानी पड़ेंगी। लिज कहती है, मैं ऐसा क्यों करूँगी? ये सिर्फ एक्सीडेंट था, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं थी। डॉक्टर कहती है, तुम्हें तो स्टेटमेंट देना ही पड़ेगा, क्योंकि मार्टिन ये सारी चीज़ें कन्फर्म कर सकता है। लिज थोड़ा सोचती है, तभी हमें पता चलता है उस नदी के पास लिज ने मार्टिन को भी मार डाला था। यहाँ पर फिर पुलिस पहुँच जाती है और उन्हें लगता है ये सब मार्टिन ने ही किया है। मार्टिन के कपड़ों में उन्हें चाबी मिली थी, ये लिज ने उसे मारने से पहले उसके कपड़ों में डाल दी थी। अब रियलिटी में जो भी हुआ था, इसके बारे में लिज और डॉक्टर को पता था, लेकिन डॉक्टर इसे प्रूव नहीं कर सकती। लिज ने पहले जो पुलिस को स्टोरी बताई थी, पुलिस उसे ही सच मान लेती है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। इस मूवी में प्यार एक ऑब्सेशन में बदल जाता है। लिज को इतना गलत करने के बाद भी लग रहा था प्यार में सब कुछ जायज है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।